एक बाबा हमारे ऐसे हैं, 25 रुपए किलो हमारा दूध बिक रहा, 80 रुपए किलो का गाय का मूत बिक रहा। सरकार बोल रही है कि विपक्ष आपको बरगला रही है, ऐसा क्या? विपक्ष को बला ना हमन कुछ नहीं। सुनो, विपक्ष को बरगला गा हम, मैं तो कांग्रेस की भी बुराई करूंगा। कांग्रेस कौन सी ठीक थी हमारे लिए? कांग्रेस भी नहीं ना, हमारा कांग्रेस का कोई समर्थक, कोई कांग्रेस का आदमी है क्या हमारे पास? तो जितने हैं मेरे किसान मजदूर हैं, कोई किसान, जो भी सरकार आई है वो सिवा किसानों को छलने का काम करा वो कांग्रेस हो। लेकिन जब कांग्रेस ने अत्याचार करा तो बीजेपी लाए मेरे किसान भाई मजदूर भाई। अब यो बीजेपी अत्याचार कर रही है तो बीजेपी ऐसा अत्याचार कर रही हो, ऐसा चली जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग चले गए, और सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो राजनाथ सिंह जो हो और वो जो है स्मृति ईरानी जो प्याज बेचती थी, राजनाथ सिंह साइकिल से चार जा रहे थे कि डीजल बहुत महंगा हो गया है। आज कहाँ है डीजल, आज कहाँ है पेट्रोल, कहाँ गए राजनाथ सिंह, कहाँ गए उनके प्याज बेच रहे थे? जब आलू किसान का खुदा तो 3 रुपये किलो बिका, और जब इनके कोल्ड स्टोर में चला गया अनिल अंबानी के और इनके, तो आज 50 रुपये किलो बिका। अब किसान की फिर फसल आ रही है तो फिर 30 रुपये किलो बिक रहा है। जब हमारा गन्ना बिकता है तो गन्ने में जब रेट उसका गुड़ का होता है तो वो 2500 रुपये बिकता है आज, और जब इनके कोल्ड स्टोर में चला जाता है तो वो 5000 रुपये कुंटल बिकता है। तो ये दलाल पैदा कर दिए इन्होंने किसानों का गला घोटने के लिए, समझे? लेकिन किसान की ऐसी हाय है, ये जाते रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं रहने के। खेती कर रहे हैं हम, और जिन्हें यही पता नहीं गन्ने में गुड़ पैदा हो या गुड़ में गन्ना पैदा हो, वे हमारा रेट डिक्लेयर कर रहे हैं, वे हमारा रेट डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन है वे हमारा रेट डिक्लेयर करने वाले, कौन है वे? हमारा भुगतान नहीं होया, कुछ भी नहीं होया हमारा। मोदी की सरकार तो आज ही गिर जा, अगर ये MP MLA सुधर जा, अगर ये अपना समर्थन वापिस ले ले, हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये ले ले समर्थन वापिस तो दोबारा MP MLA बना देंगे। लेकिन जीवन में भी कभी MP MLA ये नहीं बनने के। योगी क्या है, मोदी क्या है? मोदी अभी 100 MP हमारे साथ आ जाओ और 100 के 100 समर्थन वापिस ले लो, सरकार दिल्ली की अभी गिर जाएगी मेरे भाइयों की, देगी या नहीं गिनने की? अगर हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिनाना भी जानते हैं, चाय बेचने पे मजबूर कर देंगे, अपना वक्त ना भूलेंगे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन पे चाय ही बेच सकते हैं। चाय क्या बर्तन मानेंगे? ये नहीं पता कि मूंगफली जमीन में पैदा होती है कि बेल में लगती है? वो किसानों के लिए, उन्हें क्या पता किसान कहाँ तक मजबूर है? आज तक उन लोगों को पता है कि किसान किस हमदर्दी से निकल के कितनी मेहनत करके लोगों का पेट पालता है? उन्हें आज तक पता है किसी चीज के बारे में? अगर बनाया है इन्होंने अपनी पार्टी की फंडिंग के लिए बनाया है, कोई हमारे लिए नहीं बनाया है। अगर राम मंदिर बना तो उनकी पार्टी की फंडिंग के लिए बना है, हमारे लिए कोई राम मंदिर नहीं बना है। धर्म के राम पे राजनीति कर रहे हैं ये, राम आतंकवाद पाकिस्तान का नाम छोड़ के राजनीति करके दिखाए, इन्हें एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट भी नहीं मिलेगा इनके पास। राम आतंकवाद पाकिस्तान इन मुद्दों के सिवाय क्या भी इन्होंने विकास, पढ़ाई, अपना हॉस्पिटल के नाम पे कोई बात सुनी है इनके मुंह से आज तक? कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई स्कूल बनाया है, क्या बनाया इन्होंने? आप एक चीज दिखा दीजिए हमें पूरे इंडिया में कि किसान राजनीति करना छोड़ दे। अरे किसान तो राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन तुम पहले कपड़ों में राजनीति करना छोड़ दो, तुम किसी संत हो जाओ, कहीं चले जाओ। हम भी ऐसा जो हो मुख्यमंत्री नहीं चाहता जो क्या पहले कपड़े पहन कर राजनीति करता हो। हम ऐसे आदमी को पसंद करना पसंद नहीं करते।